तो कैसे हैं आप लोग? पापा, ओ पापा। क्या बे? मुझे इंस्टाग्राम के लिए फोन चाहिए, दिलवा दो ना। नहीं प्लीज पापा, दिलवा दो ना, मुझे रील्स बनानी है, नहीं तो मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा। निकल लौड़े, पहली फुर्सत में निकल। एक जमाना था, उस वक्त सभी लोगों ने टिकटॉक पे अपना अड्डा जमा रखा था और सभी लोग साइड इफेक्ट के शिकार बन चुके थे। लेकिन टिकटॉक के गुजर जाने के बाद आज उन्हीं लोगों ने इंस्टाग्राम पे अपना अड्डा बनाया है और साइड इफेक्ट के शिकार बन चुके हैं। हेलो गाइस, ये क्या चीज है, जल्दी से कमेंट में बताओ। सेंबड़ी सी शकल है तेरी और बेवड़ी तुझे इतना भी नहीं पता, यह वही चीज है जो तेरे बाप ने तुझे निकालने से पहले लगाया नहीं था। अगर उस दिन तेरे बाप ने इसे लगा लिया होता तो आज तू इसे हाथ में लेके नहीं घूमती। आज आ रही हूँ तुम्हारे पास, जल्दी अपना एड्रेस दो। दो ना। ना घर सही, ना जंगल सही, ना घर सही, ना जंगल सही, जहाँ पर मस्त चीखे सुनाई दी जाती है वो तो अपना ओयो ब्रांच ही सही। तो आ जाना अपने ओयो ब्रांच में। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। देख सेंबड़ी, आना तो आ जाएगी, लेकिन जो होगा उसके बाद ये मत कहना। मुझे अपने घर जाना है, मुझे घर जाना है। मैं जानता हूँ आपको कितनी दिक्कतें आई। देखा आपने, लापरवाही का नतीजा है। हानु आतु था हिंगड़ो चाटो फिरतनो अने मैं मोडू है था उसारी कोई देखा होगा हिंगड़ो चाटिया। आय हाय हाय, जाटे ना चूची बातें तो ऊंची ऊंची, जाटे ना चूची बातें तो ऊंची ऊंची, कर डाली तूने मेरी बचपन वाली बात। अरे बचपन में भी हम स्मार्ट थे और अभी भी स्मार्ट है, और तू है ना जो बचपन में मेरे घर के आगे भाग गई थी। बड़ी आई सेंबड़ी, गजब बेइज्जती है। हमणा ना छोकराओनी बे बे तण तण गर्लफ्रेंड होय અને અહીંયા મેં એક માલ હોતા હોતા થાકી ગઈ। अबे शकल तेरी बवासीर जैसी, बातें तो अच्छी किया कर। वाह दीदी वाह, हम लड़के सुधर जाए, और तुम जैसी लोंडिया तो शरीफ घर की सहजादी हो जो किसी बॉयफ्रेंड के लिए तरस रहे हो। अगर हमें गर्लफ्रेंड की जरूरत भी होगी ना तो लोंडिया बाजार में चले जाएंगे, जहाँ पर तुमसे भी सुंदर लड़कियों की 500 में लाइन लग जाती है। और बात कही तुमने सिंगल की, अरे हिलाकर हम सो जाएंगे, लेकिन तुम्हारी जैसी लोंडिया को ना हम लड़के अपनी गर्लफ्रेंड नहीं बनाएंगे, क्योंकि हमें घर चलाने वाली चाहिए, इंस्टाग्राम चलाने वाली नहीं। बात तो सही है। लोकांचं कसं असतं ना, चोदना कम और चिल्लाना ज्यादा। हाय हाय, वाह दीदी वाह, अगर तुम ऐसे ही हरकतें करती रहोगी ना तो तुम्हारे घर वाले एक दिन तुम्हें अपने घर से धक्के मार कर निकाल देंगे। और कहते हैं ना बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, लेकिन ये क्या, यहाँ पर बेटियाँ तो लोंडियाबाजी कर रही हैं, तो फिर देश कहाँ से बचेगा। इससे अच्छा तो रंडिया हटाओ और देश बचाओ वाला सूत्र रखना चाहिए था। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। प्रेम करता काना ही सिखवाड़ी हो, भैया मैं राखता हनुमान ने सिखवाड़ी हो, जन पारता रामे सिखवाड़ी हो, लेने भागता रावण सिखवाड़ी हो, काल नागन तने दिल तोड़ता कौन है सिखवाड़ी हो। आय हाय, इस बेचारे की सुबह से बकरियां भी भूखी और ये दिल किसने तोड़ दिया यार। एक काम कर दीदी, आज तू बकरियां चराने के लिए निकल जा, और एक बात याद रखना कि कल सुबह से हमें स्कूल में जाना है, ये दिल विल के चक्कर में हमें नहीं पढ़ना। अगर मैं आपको मौका दूं तो आप मुझसे कहां पर मिलना चाहोगे? ना घर सही, ना जंगल सही, ना घर सही, ना जंगल सही, आजा अपने ओयो के दरबार में, वहीं पे रातें रंगीन करेंगे। और क्या, अकेले अकेले मजे नहीं लेने दूंगा, मुझे भी चाहिए। चीटिंग करता है तू, घंटा पटेगी तुमसे लड़की प्रपोज करने से पहले, तुम लेने की सोच लेते हो। अरे हम पटते भी नहीं और तुम जैसी लोंडियों को ना पटाते भी नहीं, खिलाकर सो जाएंगे, लेकिन तुम जैसी लोंडियों को ना लेंगे भी नहीं। और बात करती हो लेने की, तो लोंडिया बाजार में तुम जैसी लोंडियों की 500 में लाइन लग जाती है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और वीडियो के अंदर आपको बहुत ही ज्यादा मजा आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए और उस वीडियो का भी मजा आप ले सको।